हालेलुया, जय मसीह की प्रियो। आज हम एक ऐसे विषय में बात करेंगे जहां हम सब नए नए विश्वासी ही होते हैं। जब हम संसार को छोड़कर, उसके रीति रिवाज को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता अंगीकार करते हैं, तब हमें बहुत से चीजों के विषय में पता नहीं होता है कि क्या करे और क्या ना करे, कौन सा त्योहार बनाए और कौन सा त्योहार ना बनाए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार अब से कुछ ही दिनों में आने वाला है और आज ही से लोग उस त्योहार की तैयारी में संसारिक लोग जुटे हुए हैं। तो प्रियो, आज एक ऐसे ही टॉपिक पर हम बात करेंगे कि हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं। हमारे मन में ऐसे कई सारे सवाल जरूर उठते हैं और हमें ये बताने वाला कोई नहीं होता है। आज आप में से भी बहुत से लोग के मनों में यह सवाल उठते होंगे। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग यह बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि जब संसार को छोड़कर अपना उद्धारकर्ता मानकर हम चलने लगते हैं, तो हम अपने पुराने जीवन को, पुराने मनुष्य को मारकर आगे बढ़ते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं, आप में से भी बहुत से लोगों ने बपतिस्मा लिया होगा। बपतिस्मा का रियल मीनिंग क्या है? इसका मतलब जब हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं, जब हमें पानी में डुबाया जाता है, उसी वक्त हम अपने पुराने जीवन को छोड़ देते हैं, उसके कामों को, गलत चीजों को छोड़ देते हैं और जब हम बाहर आते हैं पानी से, हम नए बन जाते हैं, हमारा जीवन नया बन जाता है। और यह एक मसीहों के लिए एक प्रोसीजर है जिसमें हमारा ये विश्वास होता है। जब परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि हमें बपतिस्मा लेना है, इस प्रकार वचन कहता है, हम किस्मत लेकर परमेश्वर के आज्ञा को और परमेश्वर को स्वीकार कर लेते हैं। हालेलुया। पहले पत्रस 3 अध्याय उसके 21वें वचन में कहता है, और उसी पानी का दृष्टांत भी, अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, उससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु सुत विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। हालेलुया। जैसा वचन हमें बताता है कि जब हम प्रभु को अपना लेते हैं, उसके पास जाते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। जब हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को सौंप देते हैं, संसारिक चीजों को त्याग कर आगे बढ़ते हैं, और जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो हमारे लिए प्रभु कौन है? आज हमारा काम किसके लिए होना चाहिए? हम किसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रियो, जब हमने अपने जीवन को प्रभु को दे दिया है, तो हमारे प्रभु को अपने जीवन में जगह दिया है, तो हमारा काम भी सिर्फ बाइबल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। आप संसार और प्रभु दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते, जैसा वचन कहता है, रोमियो 12 अध्याय और उसका 2 आयत, और इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को मालूम करते रहो। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम करने के लिए ये काम हमारे अंदर होना चाहिए। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, हमें संसार के लोगों के जैसा नहीं बनना है, जैसे वो उठते हैं, बैठते हैं और संसारिक चीजों में अपने जीवन में, वैसा हमें नहीं करना है। जो काम आप सब संसार में प्रभु यीशु मसीह के पहले जो भी किया करते थे, उसे पूरी तरह से बंद कर देना है। बाइबल पूरी तरह से हमें यह मना करती है कि हमें संसारिक रिवाज में नहीं पड़ना है। इसीलिए हमें एक वैसे ही भाई बहनों को ये रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। बाइबल हमें सख्त मना करती है,
क्योंकि प्रियो जब हम जानते हैं कि सांसारिक त्योहारों को वर्षों से मनाया जा रहा है तो उससे कोई ना कोई प्रथा हिंदू मान्यता रीति रिवाज किसी न किसी कहानी से जुड़ी हुई होती है। वचन हमें बताती है कि जब हम मसीह बन जाते हैं प्रभु हमारे साथ साथ रहता है साथ साथ चलता है तो हमारे काम ऐसा नहीं होना चाहिए। जब उसने हमें आजाद किया है स्वतंत्र कर दिया है तो हमें फिर से दासवंत का जीवन नहीं जीना है। जिस प्रकार गलाती उसके पांचवे अध्याय और उसके पहले वचन में कहा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जीवन में फिर से ना जूतो। इसीलिए हमें इन सब बातों में नहीं पड़ना है। यह सारी चीजें संसार की है और ये संसार ही में रह जाएगी। इससे कोई भी फायदा नहीं है बल्कि जब हम यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं ये धागा अपने भाइयों के जीवन में बांधते हैं जो कि एक बंधन है। और संसार का यह मानना है कि जब हम राखी बांधते हैं तो भाई अपने बहनों की रक्षा करेंगे तो प्रियो वो तो भाई बहन का ऐसा रिश्ता ही है कि वो एक दूसरे की रक्षा करेंगे ही कि उसके लिए आपको एक धागा बांधने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है बल्कि आप और हम भी यह करते हैं तो यह भी एक बंधन ही है जो हम अपने भाई के जीवन में बांध रहे होते हैं। जैसे गलातियों उसका 3 अध्याय और 27वां वचन में लिखा है और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जब हम संसारिक रीति रिवाजों को छोड़कर प्रभु में आ जाते हैं तब हमारी रक्षा खुद प्रभु यीशु मसीह करते हैं। जब लोग बहुत से बातें करते हैं कि एक धागा ही तो है भाई बहन का प्रेम है भाई बहन का रक्षा करता है प्रियो यही एक माध्यम है कि धागा बांधने के बाद ही भाई का कर्तव्य बनता है कि अपनी बहन की वो रक्षा करे। क्या यही एक जरिया है कि भाई बहन के बीच के प्रेम को दिखाने का। हालेलुया प्रियो अगर एक धागा ही प्रेम को प्रकट करने का जरिया है ये प्रेम बेहद कमजोर है। अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए धागे की नहीं वरन अपने दिल में प्रेम होना चाहिए अपने मन में उसके रक्षा के प्रति भी भावना होना चाहिए तो यह सब कुछ यूं ही हो जाएगा। जिस प्रकार वचन यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 32वां वचन में और सत्य को जानोगे और सत्य तुम हो। जब हम प्रभु के हो जाते हैं तब प्रियो हम संसारिक रीति रिवाज से स्वतंत्र हो जाते हैं। प्रियो आपको इस बात को बड़ी गंभीरता से समझने की जरूरत है कि अगर संसारिक त्योहारों के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी प्रथा रीति रिवाज कहानी जुड़ी होती है कि जब हम ऐसे करते हैं तब हम उस आज्ञा जो परमेश्वर देता है उसका उल्लंघन करते हैं तो यह रक्षाबंधन का त्योहार ही सिर्फ नहीं जो भी संसारिक त्योहार है उसमें से हमें कुछ भी नहीं मनाना चाहिए। ये बातें सिर्फ एक सच्चा मसीह समझ सकता है क्योंकि वो अपने आत्मिक जीवन को लेकर बेहद गंभीर रहता है कि उससे कोई पाप ना हो जाए और ऐसा करने से आपके और हमारे जीवन में बहुत बड़ा बंधन बंध जाता है। तो प्रियो अब कोई भी पूछे कि क्या रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए तो बिल्कुल भी नहीं। अगर वह मसीह विश्वासी है तो उसे बाइबल के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से बिल्कुल भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। हमारे जीवन की रक्षा एक धागे से नहीं कभी नहीं हो सकता उसके लिए हमारा जिंदा खुदा आज भी योग्य है और हम सब इस बात के लिए जीवित गवाह हैं कि परमेश्वर हमारा रक्षा करता है। हमें सिर्फ एक दूसरे के लिए भाई अपने बहन के लिए और बहन अपने भाई के लिए रक्षा के लिए बस प्रार्थना करे बाकी खुदा सब संभाल लेते हैं। आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इस वीडियो को अपने परिवार जनों के साथ शेयर करें मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सवाल का जवाब पा सके। हालेलुया
बाकी आप सभी कमेंट सेक्शन में अपने राय बता सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।